अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैज बीन सस्पेंडेड फॉर टू इंटरनेशनल मैचेस और अर्ली ऑन उन्हें है कि 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले थे और फाइन 75% ऑफ हर मैच फीस का जो फाइन है वो भी उनपे कंडक्ट किया गया था बिकॉज इन्होंने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। अब ये जो इन्हें सस्पेंड किया गया है या इनपे जो बैन लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं मालूम है तो फिर मैं आपको पस मंजर में ले चलती हूँ इसके कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के टूर पर थी जहाँ वो 3 ODI मैचेस की सीरीज खेल रही थी जो कि एंड हुई टाई पे। एक मैच श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीम जीती थी, एक मैच इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम जीती थी और एक मैच ड्रॉ हो गया था, यानी एक मैच टाई हो गया था। तो इस तरह से 3 ODI मैचेस की जो सीरीज है वो टाई हो गई थी और जो 3rd ODI था उसमें हरमनप्रीत कौर के हिसाब से कि वो नॉट आउट थी, उन्हें आउट दिया गया जबकि एक्चुअल में वो आउट थी, LBW उनको आउट दिया गया था। बट उनका कहना था कि मेरा बैट टच हो गया है और मैं LBW नहीं हूं। याद रहे कि वुमेन क्रिकेट में अभी तक जो DRS सिस्टम है वो नहीं लागू हुआ है, तो खैर हो जाना चाहिए, ये भी एक बात है डिस्कशन की कि वुमेन क्रिकेट टीम में भी DRS का सिस्टम लागू हो जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो भी है कि होते हैं वाकयात उससे बचा जा सके। एनीवेज DRS सिस्टम वुमेन क्रिकेट टीम में नहीं है, तो उनका कहना था कि मेरे बैट टच हो गया। बट अगर बैट टच हो भी गया है तो भी फील्डर ने कैच भी किया था, तो अगर आपके हिसाब से आप LBW आउट नहीं हो तो आप कैच आउट हो, आउट आप हो। बट उस वक्त भी उन्होंने एम्पायर को ग्राउंड पे भी काफी कुछ कहा था और स्टंप्स पे भी उन्होंने बैट हिट किया, स्टंप्स भी तोड़े और इसके बाद भी वो जाते जाते भी है कि बोले जा रही थी जो कि जो ICC कोड ऑफ कंडक्ट या ICC के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और इस वजह से उन्हें पहले तो 75% मैच फीस का उन्हें है कि फाइन किया गया था और 4 डीमेरिट पॉइंट भी उन्हें मिले थे और अब है कि उन्हें 2 मैचेस के लिए, इंटरनेशनल मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया गया है, जो कि सही है बिकॉज वो जो इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। सब जगह उनके जो ये बिहेवियर था उस पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इंडिया में भी लोग यही कह रहे हैं कि वो हरमनप्रीत कौर गलत थी और ना सिर्फ ये जो उन्होंने पिच पे ये जो सब स्टंप्स तोड़े और एम्पायर पे है कि गुस्सा हुई, इसके बाद जब वो पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें भी आई तो भी उन्होंने यही कहा कि इस तरह की पैथेटिक एम्पायरिंग के बारे में हम अवेयर नहीं थे और जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम अपना माइंड बना के आएंगे कि हमें यहाँ पे पैथेटिक एम्पायरिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि ये एक कोई भी जो आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके कैप्टन हो तो आप इस तरह से तो कुछ थोड़े से मैनर्स से बात करनी चाहिए, आपको इस तरह से बात नहीं की जाती है। और ये खैर पहले भी देखा गया है, काफी टाइम से देखा जा रहा है कि इंडियन की मेंस क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो वो एम्पायर्स पे भी असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर एंड क्या ये लॉजिक है इसके पीछे, ये अक्सर देखा गया है मेन क्रिकेट टीम में भी। अभी भी आप देखें जो फाइनल भी हुआ था, जो ACC एमर्जिंग एशिया कप का जो फाइनल हुआ था उसमें भी यही था कि पता नहीं कौन से बैट्समैन थे, मुझे नाम याद नहीं है बिकॉज सारे नहीं है तो नाम इतने मुझे याद नहीं है, बट वो जा ही नहीं रहे थे, क्रीज छोड़ ही नहीं रहे थे कि मैं नॉट आउट हूं, जबकि एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया था। उनका कहना था कि नो बॉल है, मार्जिनल नो बॉल है एंड दिस एंड दैट। बट जब एक तरीका ये होता है, एक एथिक्स ये होते हैं कि जब एम्पायर ने कह दिया कि आप आउट हो तो फिर आप चले जाओ, बट नहीं, वो जो इमर्जिंग टीम के भी जो प्लेयर थे उनका भी यही बिहेवियर था कि ना वो जा ही नहीं रहे थे पिच छोड़ के, वो ग्राउंड छोड़ के नहीं जा रहे थे कि दूसरे एम्पायर ने कहा भी कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब आप आउट हो गए हो तो जाओ पवेलियन में जाओ। मतलब ये इस तरह का जो बिहेवियर है कि इंडियन ओवरऑल सारे इंडियन प्लेयर्स की तरफ से, चाहे वो मेन हो, चाहे वो मेन टीम हो, चाहे वो इमर्जिंग टीम हो, चाहे वो वुमेन क्रिकेट टीम हो, ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है। तो आई थिंक BCCI को इसके बारे में भी कुछ कवानीन वजा करने चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की ही जगह सही होती है, तो ये आई डोंट थिंक सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।